यार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। देखिए बच्चों, अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है न्यू बुक के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वो भी अभी सुन लेंगे कि अपनी जो न्यू बुक है वो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, ओके। तो आप उसको अपने लेवल पर परचेज कर लेना, ओके। बुक सेलर के पास जाना, उनको बता देना ये बुक तो हमें को चाहिए, फिफ्थ क्लास की इंग्लिश मीडियम की, वो दे देंगे। आगे बात समझ में। यस तो उसी बुक में से हम पढ़ेंगे, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो जो न्यू बुक अभी मैंने बताई है उसी में से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। यस, और रिलेशन इसमें हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें इसके नेक्स्ट हमने जो टॉपिक किया था वो था एडेप्टेशन, ओके। बुक मिल जाएगी, हो सकता है वहां पर नहीं हो, किसी दूसरी शॉप पे ट्राई करना। क्योंकि मार्केट में हो सकता है अभी कम हो, क्योंकि सभी स्कूल में, जो भी स्कूल्स में पहले से जो बुक चल रही थी तो और स्टूडेंट्स जाते हैं, फिर वो अपने बुक लेकर आ जाते हैं, ओके। तो इसलिए मार्केट में कमी भी हो सकती है, तो हो सकता है कि आप ट्राई करते रहना, तो 2-4-5 दिन में मिल जाएगी। आप उनसे कंफर्म कर लेना कि वापस कि कब तक आए, जिससे कि हमको बुक मिल जाए। ओके, प्रखर आपको बुक नहीं मिली, मैंने बताया ना, आप ट्राई करते रहो बुक सेलर के पास जाके, उनसे पूछ लेना, ओके। प्रखर, क्या चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना? देखा है ना लेसन वन, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो देख रहे हैं। तो चैप्टर का पीडीएफ क्या भेजे, ये काफी लॉन्ग चैप्टर है और फिर हर लेसन का ही आपको सेंड करना पड़ेगा। आप बुक नहीं लोगे, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पेजेस का है ये चैप्टर। तो आप ट्राई करो, बुक मिल जाएगी आपको बुक सेलर, क्योंकि और फिर इतने लेसन हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं तो सबके पीडीएफ कैसे भेजेंगे बताइए। ओके, चैप्टर में समझा ही रहा हूँ, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास। पासबुक भी इसकी मिल जाती है, उसके अंदर भी पूरा रहता है। कंबाइंड पासबुक भी मिल जाती है, संजीव पासबुक इस तरह की आती है, तो उसके अंदर भी ऑल क्वेश्चन आंसर सब रहता है उसमें। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही रहती है। एज रिफ्रेशर भी मिल जाती है। और कुछ नेक्स्ट हमने इसमें क्या है, एडॉप्टेशन।
हमने क्या किया, एडॉप्शन, ओके, कि व्हेन लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इट इज कॉल्ड एडॉप्शन। कानूनी रूप से हम किसी भी बच्चे को या किसी रिश्तेदार के बच्चे को हम ले लेते हैं, ओके, फिर वो अपनी संतान माना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एडॉप्शन, गोद ले लेना। अब चैप्टर वन में पेज नंबर फिफ्थ में है अपन, ओके। संजना हियर, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विद हर मदर। संजना और उसकी जो सिस्टर है, संजना और उसकी सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज, वो अपने अंकल की मैरिज में गए विद हर मदर, अपनी मदर के साथ में। देयर शी मेट हर आंट, सो वहां पर वो अपनी आंट से भी मिले। हर आंट वॉज केयरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप, तो उनकी जो आंट है वो क्या कर रही थी कि उनका एक छोटा बेबी था, लिटिल डॉटर बेटी थी, तो उनको अपनी गोद में रख रही थी। पिंकी सेड मॉम लुक, तो पिंकी ने कहा कि मम्मी देखो, शी इज सो ब्यूटीफुल, कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और लुक हर नोज रिजेंबल्स द ग्रैंडमास, कि इसकी जो नोज है वो देखो, वो अपनी जो ग्रैंडमा है उनकी नोज से मिलती हुई है। हर आईज लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और इसकी जो आईज है वो उनके अंकल की जैसे हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्सेशन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, ओके, फेयर कॉम्प्लेक्सेशन उसका कलर जो है वो उसके ग्रैंडपा जैसा है, ओके। While the complexion of her brother's face is slightly, जबकि उसके जो भाई है उसका फेस थोड़ा डार्क है। तो इस तरह से बताया गया है, या आपने भी देखा होगा आपकी फैमिली के अंदर, ओके, या आसपास देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फेस है, ओके, तो आपके मदर है या फादर है या फिर जो आपके नाना नानी है, मामा, तो उनमें से किसी से मैच करता है कि कुछ पार्ट जैसे आईज है, नोज है, तो इस तरह से किसी से मैच होती है अपने रिलेटिव्स में, ओके? तो वो इसमें बता रहा है। अब आपके इसमें एक टेबल है, ओके, ये नीचे टेबल है, तो ये कोई फिल करने की चीज नहीं की, ये तो आपके सेल्फ करने की है कि आपका जो फेस है वो किससे मैच करता है, आईज किससे मैच करती है, हेयर किससे मैच कर रहे हैं, ओके, तो ये कोई चीज करने की नहीं। पेज नंबर सिक्स, संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी मदर से कहा, माय क्लासमेट अंजलि राइड्स विद द लेफ्ट हैंड, कि मेरी एक क्लासमेट है अंजलि, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, ओके, एंड हर हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, और उसकी जो हैंडराइटिंग है वो भी काफी अच्छी है। शी इज आल्सो अवार्डेड फॉर द सेम। I asked her that why don't you write with your right hand? Okay, तो मैंने उनको कहा भी कि आप right hand से क्यों नहीं लिखते? We all writing with our right hand, कि हम सब अपने right hand से लिखते हैं। She replied, उसने कहा, I do all my work with my left hand, कि मैं अपने सारे ही काम left hand से करती हूँ। I even tried to write with my right hand, but I was unable to do. मैंने कोशिश भी की, कई बार मैंने कोशिश की अपने राइट हैंड से लिखने की, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। ओके, फिर एक नीचे टेबल है, तो उस टेबल को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपने जो शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो इनहेरिटेड होती है, यानी कि अपने को मिलती है, वंशानुगत मिलती है, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इनसे ही अपनों को मिलती है। दीज करेक्टर आर नोन एज हेरिडेटरी करेक्टर्स, तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो करेक्टर्स हैं इनको हेरिडेटरी करेक्टर्स कहा जाता है, यानी कि वंशानुगत विशेषता है, ओके, जिस तरह की अपने जो फैमिली में जो रहते हैं तो उन्हीं की कुछ हैबिट्स अपने अंदर आ जाती है, तो उनको कहा जाता है हेरिडेटरी करेक्टर्स। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ओके,
और ये जो सिस्टम है व्यवस्था, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपने देखा होगा कि अपने फैमिली के अंदर मान लीजिए किसी की जो आईज है वो ब्राउन है, तो उनके फैम जो बच्चे हैं उनमें भी किसी की डॉटर है या सन है उनमें से भी किसी का आईज ब्राउन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से, या फिर कलर है। ओके, तो या कुछ हैबिट्स भी हो सकती है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है, तो इसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये सब चीजें कहलाते हैं हेरिडेटरी करेक्टर्स की वंशानुगत विशेषताएं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाती है, ट्रांसफर। आपने देखा होगा कि आपके कोई मदर या फादर है वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो देखा होगा आपने कि उनके बच्चे भी हैं उनमें, जरूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा, तो वो भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो लोग कह देते हैं कि इनकी मम्मी या पापा भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो ये भी लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं, तो ये हेरिडेटरी करेक्टर्स होता है। वो कहते हैं कि देखिए इनकी आईज जो इनकी मदर जैसी है ना, उनकी मदर की आईज बिल्कुल ब्लैक है, इनकी भी ब्लैक है, तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। तो ये होता है करेक्टिव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये ट्रांसफर होता है। सम करेक्टिव आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेंट, लेकिन कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो विशेषताएं करेक्टिव से ये अपनों को आसपास से मिलती है, अपने आसपास जो माहौल रहता है, एटमोसफेयर रहता है, एनवायरमेंट जो भी रहता है, उनसे कुछ चीजें अपनों को अपन सीख जाते हैं, वो नॉट इनहेरिटेड होती है, यानी कि वो वंशानुगत नहीं होती। इमेजिन कीजिए कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट है जो आपके फैमिली में किसी की नहीं है, तो आपने आसपास में से किसी से देख ली और उसको आपने एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, या उसकी जैसा आप बिहेव करने लग गए। ओके, तो वो इनहेरिटेड नहीं किया जाए। यहां तक क्लियर है आपको? Yes, we must know. अब देखते हैं अपन इसमें और क्या कहा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके, विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, हैज डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द पी प्लांट। तो उन्होंने ग्रेग मेंडल कहा जाता है, या जॉन ग्रेग मेंडल भी कह सकते हैं इनको। ओके, तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर, यानी कि जो मटर का पौधा होता है, उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए, या फिर 9th-10th साइंस में भी आता है ये चैप्टर। ओके, और काफी मोस्ट चैप्टर होता है इसमें। तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए, मटर के पौधे के ऊपर। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है, जैसे कि इमेजिन कीजिए ये पी प्लांट है, तो उसके बीज से पी प्लांट होता है, नीम के से नीम होता है, मैंगो से मैंगो होता है। ओके, तो जो भी प्लांट रहता है तो उसके जो सीड्स होते हैं, तो उससे उसी तरह के जो है वो पौधे डेवलप होते हैं। ओके, तो वो इसमें बताया गया है, पी प्लांट एंड फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने पी प्लांट लिया और इन्होंने देखा कि इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, फॉर्मुलेट किया कि कोई भी जो चीज है तो उससे जो उसका आगे जो वंश होता है, उससे जो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। या जो भी है, तो उसमें उनके जो विशेषता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो इसीलिए जैसे कि कुछ बीज लिए उन्होंने, तो बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो उन जो नेक्स्ट जो प्लांट्स डेवलप हुए तो वो भी वीक थे। ओके, उन्होंने लिए कि कुछ अच्छे बीज लिए, तो उनसे उन्होंने देखा कि उससे अच्छी किस्म के पौधे हो रहे हैं। इसी तरह जो मनुष्य रहते हैं उसमें भी उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ग्रेग मेंडल ने ये लॉ बनाया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो अंडरलाइन करना इसमें, जिसके पास ही बुक है वो इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, यस, डॉक्टर हरगोविंद गोविंद खुराना। नेक्स्ट अपने जो साइंटिस्ट हैं वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हैज रिटन मेनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन इन द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू प्रैक्टिस। तो इन्होंने भी काफी चीजें लिखी, रिसर्च किया। ओके, किसके लिए, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू प्रैक्टिस की। नई जो विशेषताएं आ जाती है, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि अपनी फैमिली में किसी के नहीं है बट वो उसमें है, तो
इस तरह से कुछ न्यू करेक्टिव्स भी आ सकते हैं किसी तरह से। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवार्डेड द नोबल। आपके इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है सब कुछ, तो उनकी इसी काम के लिए कि किस तरह से न्यू करेक्टरिस्टिक्स किसी में आ जाते हैं, तो इसी काम के तो ये इन्होंने रिसर्च किया था, इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। आफ्टर नोइंग ऑल अबो फैक्ट्स, अब ये देखिए ये चीज अपन ने पढ़ी, ओके इनहेरिटेंस पढ़ा आपने, ओके इसी तरह ये न्यू करेक्टरिस्टिक्स आपने इसमें देखे, तो इस के अकॉर्डिंग क्या है, आफ्टर नोइंग ऑल दीज अबव फैक्ट्स पिंकी अंडरस्टूड, तो इन सभी चीजों से पिंकी को ये समझ में आ गया दैट वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, कि हम में कुछ विशेषताएं अपने फैमिली के या दूसरी जो फैमिली होती है यानी कि या तो मदर फादर हो गए या अंकल हो गए या फिर जैसे मामा हो गए, ओके नाना हो गए, तो इस तरह की कुछ चीजें अपने अंदर अपनों को देखने को मिलती है। She also wanted to know whether the process of inheritance of characters exist in animal also. वह ये भी जानना चाहती थी कि animals में, okay? animals में भी ये inheritance जो characters transfer होते हैं, वो कैसे होते हैं? बस अपना ये टॉपिक यहीं पर है, नेक्स्ट इसमें वापस क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर के बीच में, ओके एक्चुअल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम करेक्टिस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स एंसेस्टर इटीज। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो किसी भी तरह के हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, ओके तो सब या फिर जो भी रहते हैं, तो उनमें कुछ विशेषताएं जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम हिज पेरेंट्स या एंसेस्टर, कि उनके पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स जैसे दादा है या जो भी एंसेस्टर उनके रहे हैं पूर्वज, उनमें विशेषताएं क्या होती है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है, बट ए फ्यू करेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ विशेषताएं अलग होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई बार आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि ऐसा तो हमारे परिवार में कोई भी नहीं है, ये पता नहीं ऐसा क्यों है, ओके मीन्स उसकी कुछ विशेषताएं कुछ उनके पेरेंट्स से मैच ही नहीं करती, ओके तो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, तो एनवायरमेंट से अपनों को मिल जाते हैं या फिर कुछ फिजिकल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ओके इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द करेक्टर्स आर डिफरेंट, यहां तक कि आपने देखा होगा जो ट्विंस रहते हैं जो जुड़वा रहते हैं उनमें भी कुछ करेक्टर्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, जो दोनों का जन्म एक साथ हुआ है फिर भी उनमें बहुत सारी चीजें मैच करती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ चीजें क्या रहती है एक दूसरे से अलग हो सकती है। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया वो मैं बता देता हूँ एक बार, ओके डिफरेंट रीजन ड्यू टू विच द फैमिली बिकम न्यूक्लियर ऑर्फन, कि हमने इसमें डिस्कस किया कि डिफरेंट रीजन होते हैं कौन कौन से रीजन रहते हैं और जिसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली बनती है। ज्वाइंट फैमिली आपको मैंने बता रखा है जिसमें ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर मदर ग्रैंड फादर अपने जो मदर है फादर है आंट है अंकल है उनके बच्चे हैं ये सब रहते हैं एक साथ, तो उनको कहते हैं अपन जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट न्यूक्लियर फैमिली जिसमें ओनली बच्चे रहते हैं और उनके मदर फादर रहते हैं, क्षितिज में ये ज्यादा देखने को मिलती है, ओके तो न्यूक्लियर फैमिली रहती है। इसमें हमने उनके रीजन बताए कि रीजन कुछ भी हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, तो जैसे कि जॉब के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है या फिर हाई एजुकेशन के लिए, ओके या फैमिली में मेंबर ज्यादा हो उसके लिए, ओके फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, तो इस तरह से डिफरेंट रीजन होते हैं जिससे कि जो जॉइंट फैमिली है उससे फिर न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा सिटी में रहने की जगह कम होती है, ओके जो हाउसेज है वो छोटे रहते हैं बड़े रहते हैं, तो वहां पॉसिबल होता है कि वहां सब रह सकते हैं, ओके लेकिन शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली रहती है। इसके अलावा एक दूसरे से जो बिहेव रहता है वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि किसी को इसका बिहेव पसंद नहीं है, ओके या उनके जो खर्चे हैं वो अलग है, तो डिफरेंट रीजन से ये फैमिलीज क्या होती है ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो जाती है। इन न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली
ऑल फैमिली मेंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। अब देखिए ज्वाइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, सभी जो इसके मेंबर्स होते हैं तो उनका सबका अपना अपना काम होता है, डिफरेंट उनके रोल रहते हैं तो अपना अपना काम करते हैं। सम पीपल एडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग। अब देखिए आपको एडॉप्टेशन मैंने बताया कि जो लीगली प्रोसेस रहता है तो उससे एडॉप्ट कर लिया जाता है किसी बच्चे को, या रिलेटिव्स के हो या और कोई हो, ओके, कानूनी प्रक्रिया तो उसे हम एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो फिर वो जो बच्चा है उन्हीं की संतान माना जाता है और वो ही की केयर करते हैं, उसको पालते हैं। जॉन मेंडल नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो जेनेटिक्स के बारे में, तो उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसने पी प्लांट के ऊपर अपने रिसर्च किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर अपने रिसर्च किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो था पी प्लांट। आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता ग्रेगर जॉन मेंडल डन इन विच प्लांट या डन एक्सपेरिमेंट इन ऑन विच प्लांट, तो उसमें ऑप्शन रहते हैं नीचे। ओके, तो पी प्लांट हो सकता है, नीम, मैंगो, कुछ भी उसमें दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पी प्लांट के ऊपर क्या था, यानी कि मटर के पौधे के ऊपर। नेक्स्ट हमने किया इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू करेक्ट्रिक्स। ओके, जो न्यू करेक्ट्रिक्स आ जाते हैं तो उनके बारे में रिसर्च किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, ये अपना चैप्टर इसमें फिनिश हुआ। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ओनली टू क्वेश्चंस हैं। ओके, उसमें भी ये फिल इन द ब्लैंक्स और टू फोर में एक एक, तो ये तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बाकी मैं सेंड कर दूंगा चैप्टर के बीच में से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। दित्या श्रीवास्तव, आप कल क्लास में नहीं थे? से यस और नो, कल क्लास में थे या नहीं? से ओनली यस और नो कि कल आप क्लास में थे या नहीं। तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बार बार एक्सप्लेन करूंगा, 5 मिनट्स आपके लग जाते हैं। तो कल मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूं। ओके, कि आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, पहले कंफ्यूजन था आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं, तो हमने उस बुक में से किया। ओके, अब जब आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे तो ये गवर्नमेंट की बुक है, गवर्नमेंट की ऑथोराइज बुक है, पेपर इसी में से बनता है। ओके, तो अब जो आपके पेपर आएगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसमें पेपर वो आएगा इसी बुक में से आएगा, उसमें से नहीं आएगा। कोई टॉपिक मिल जरूर सकता है, बिकॉज जैसे ईवीएस एसएससी में कोई पॉइंट उसमें मिल सकता है, बट आपको इसी बुक में से तैयारी करनी है। ओके, और यही चीज मैंने कल भी बताई थी, बताई थी या नहीं बताई थी दित्या? इसके अलावा मैं और बता देना, अब आप पूछेंगे थोड़ी देर बाद कि सर वर्क कौन सी कॉपी में करना है, तो वर्क आप पहले वाली जो एसएसटी की कॉपी थी ना उसी में कर लेना, अपनी जो ईवीएस है ये पार्ट, इसमें साइंस एंड एसएसटी दोनों। ओके, और मिक्स में भी ऐसा डिवाइजेशन नहीं है पार्ट्स का, सिक्वेंस में ही है, तो आप इसी कॉपी में कर लेना। जो आप एसएसटी की कॉपी थी आपने पहले, उसी में आपको वर्क करना है। अगर वो भर जाती है, पूरी फिल हो जाती है, तो फिर आप जो बाकी बचा हुआ जो है पार्ट, वो जो आपकी साइंस की कॉपी एक और होगी, तो फिर आप उसमें से कर लेना। ओके, जो आज मैं आपके पास में वर्क सेंड करूंगा, वो आपको एसएसटी कॉपी में 1 पेज तो आप ब्लैंक कर देना, और उसके नेक्स्ट 1 पेज ब्लैंक करके उसके नेक्स्ट में से आप करना, तो कॉपी वो फिल हो जाए, भर जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए, तो आप साइंस की में से कर लेना।
तो कोई न्यू कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से। फिर भी आपको लगे कि न्यू कॉपी बनानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और चैप्टर कितने आएंगे ये कल, ये आपने ग्रुप देखा प्रियांशी, आपने ग्रुप में जो मैंने मैसेज सेंड किया था वो देखा आपने प्रियांशी? प्रियांशी बताइए कल जो मैंने ग्रुप में मैसेज सेंड किया था वो आपने देखा या नहीं? प्रियांशी रिप्लाई कीजिए। प्रियांशी रिप्लाई फास्ट। कल जो मैंने मैसेज किए थे आपके पास में, मैथ के भी किए थे और ईवीएस में भी किए, तो उसमें मैंने जिनके टेस्ट बताइए। यस आपने देखा तो आपको समझ में आना चाहिए। कल मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो चैप्टर्स आएंगे वो ही मैं करवाऊंगा। ओके जो सिलेबस में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं करवाऊंगा। इसके अलावा जब मैंने आपके पास में सेंड किया सभी बच्चे सुनेंगे, बार बार एक ही चीज नहीं पूछेंगे। ये देखिए आपका ये कंटेंट्स है। ओके ये लिखा हुआ कंटेंट्स, इसमें आप देखिए मैंने इसमें जो भी अपना सिलेबस है उसके राइट और क्रॉस लगा रखे हैं। तो क्रॉस मींस क्या हो गया, ये सिलेबस में से हट गया, ये डिलीटेड पोर्शन है। ओके ये डिलीटेड पोर्शन है, जिनके राइट लगा हुआ है वो अपने रिवाइज सिलेबस, तो जिनके राइट लगा हुआ है वो अपना सिलेबस होगा, उसी में से पेपर बनेगा और उसी में से हमें तैयारी करनी है, वो ही लेसन हम पढ़ेंगे। ओके इसी तरह मैं मैथ में भी मैंने आपको सेंड किया, तो उसमें जिनके राइट लगे हुए हैं मींस वो आएंगे और जिनके क्रॉस लगा हुआ वो नहीं आएंगे। तो आपने अंडरस्टूड होना चाहिए। चैप्टर 16 ओवर प्राइड है, उसमें मदन मोहन मालवीय का एक टॉपिक है वो नहीं आएगा, बाकी आएंगे। ओके तो जैसे हम लेसन करते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा और आपको। यस और कोई डाउट और कुछ पूछना है आपको? आप सभी बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, अभी कल क्लास होगी उसमें एक दो बच्चे और आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे सर ये क्या है कौन सी बुक है। आरती आदित्य अपूर्वा कुछ डाउट है आपको? अब देखिए द ट्रांसफर ऑफ करेक्टिव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टिव से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ओके तो उसे हम इनहेरिटेंस। बुक नहीं है मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट वो वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, तो टू साइंटिस्ट के नेम बताने हैं, अभी हमने पढ़ा तो उन्हीं के नाम देने हैं इसमें को। इसमें एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो आप इसको जॉन मेंडल भी लिख सकते हैं अगर पूरा नेम नहीं है तो। ओके या जी जे मेंडल भी लिख सकते हैं, जॉन मेंडल भी लिख सकते हैं। ओके तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जॉन मेंडल भी आप लिख दोगे राइट हो जाएगा। इसके अलावा फिर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो ये टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो इनहेरिटेंस से इनके ऊपर रिसर्च किया था। फिर थर्ड है, इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं है करने का क्योंकि इसमें जेनेटिक्स बताने आपके ग्रैंड फादर के ग्रैंड मदर के पेरेंट्स के, तो ये कोई करने की चीज नहीं है। ओके अगर फिर भी आप ही जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो ना उसमें,
कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपका क्या मिलता है, तो आप लिख देना आईज मिलती है, नोज मिलती है, कुछ भी। ओके, मैटरनल यानी कि मदर की तरफ से भी, तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ऐसे मत लिखना कि मेरा हाथ मिलता है, पाँव मिलता है, ऐसे नहीं। ओके, जैसे आईज मिलती है, हेयर मिलते हैं, कलर मिलता है, नोज मिलते हैं, इस तरह से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड द जॉइंट फैमिली, ये मैंने आपको बता रखा है, स्टार्टिंग में बताया था। ओके, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें होंगे जो इसमें दे नहीं रखे, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एडॉप्टेशन। ओके, इस तरह की ग्रेगर जॉन मेंडल के, हरगोविंद खुराना के बीच में से, तो ये मैं आपके पास में सब सेंड कर दूंगा। ओके, बस अपना चैप्टर इतना ही है, न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट अभी नहीं कर सकते, आपके पास बुक भी नहीं है। ओके, बस आज इतनी क्लास होगी। और कुछ पूछना है आपको? और कल वो एक दो बच्चों ने मैसेज किया था, वो तो ऐसे कोई भी नहीं करेगा, मैंने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया, तो वो पता लग गया वहां से कि कौन था। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।